Hello students, we have to complete the exercise of lesson 1. So please open your textbook page number 8 and see. Question number 2 of B. Answer these questions. Please see in your textbook. Question number 2. How did Toto and grandmother react when they saw grandfather with the python? यानी दादाजी को जब अजगर के साथ टोटो और grandmother दादी ने देखा तो उन्होंने क्या रिएक्शन किया था? ठीक ना, तो इसका आंसर है बेटा यहाँ पे व्हेन दे सॉ ग्रैंडफादर विद द पाइथन टोटो फ्लेट इनटू द हाउस स्क्वीलिंग विद फ्राइट, यानी डर के मारे चीखता हुआ टोटो यानी कि बंदर घर के अंदर भागा था एंड ग्रैंडमदर नियरली फेंटेड एट द फर्स्ट, और दादी जी ने जैसे ही देखा दादाजी को अजगर के साथ गले में लिपटा हुआ, शी वॉज नियरली फेंटेड, लगभग वो बेहोश जैसी हो गई थी, एकदम अवाक रह गई. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 सीन योर टेक्स्ट बुक. वेयर डिड आंट मावेल सी द पाइथन फॉर द सेकेंड टाइम. दूसरी बार जो है आंट मावेल ने पाइथन को कहाँ पे देखा था और व्हाट इफेक्ट डिड इट हैव ऑन हर, और इसका उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ा था. चलिए बेटा इसका आंसर है आंट मावेल सॉ द पाइथन द सेकेंड टाइम एज इट इमर्ज फ्रॉम बीनीथ ए कुशन. जब एक सोफे के नीचे गद्दे के नीचे से निकला वो अजगर तो सेकेंड टाइम उन्होंने देखा था. फर्स्ट टाइम तो उन्होंने जो है सीट ऑफ द पाइथन इन द गुआवा ट्री, लेकिन सेकेंड टाइम उन्होंने उस कुशन गद्दे के नीचे से निकलते हुए देखा था और क्या प्रतिक्रिया हुई. शी वॉज सो फ्रिटेंट एंड शॉक्ड, वह इतनी डर गई इतनी अवाक रह गई दैट सी पैक्ड हर पैक्स, उन्होंने तुरंत अपने सामान पैक किए एंड लेफ्ट द ऑथर्स हाउस, और उन्होंने लेखक का घर यानी कि रस्किन बॉन्ड का घर जो है तुरंत छोड़ दिया. आंट मावेल चली गई. चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 4 सीनियर बुक. व्हाई डिड ग्रैंड फादर सेट अप ए ट्रैप फॉर द पाइथन इवन दाउ ए पाइथन्स बाइट इज नॉट पॉइजनस. प्रश्न का मतलब बेटा कि अजगर का काटना उतना पॉइजनस नहीं होता है, फिर भी जो है दादाजी ने उसके लिए ट्रैप डोर की व्यवस्था क्यों कराई, यानी दरवाजे खिसकने वाले दरवाजे वाला पिंजरे की व्यवस्था उन्होंने क्यों कराई. तो इसका आंसर है बेटा द पाइथन कुड स्वेलो ए लाइव मंकी, यानी इवन दैट वाज नॉट सो पॉइजनस बट द पाइथन कुड स्वेलो ए लाइव मंकी, वह एक जीवित बंदर को निगल सकता था एंड इट वुड बी ए रिस्की फॉर लिटिल बॉयज, और यह छोटे बच्चों के लिए भी जोखिम भरा हो सकता था बिकॉज एट दैट टाइम द ऑथर मीन्स रस्किन बॉन्ड वॉज सो लिटिल, ही वॉज सो यंगर, वो काफ़ी छोटे थे, तो दादाजी ने सोचा यह बच्चों के लिए भी जोखिम भरा हो सकता है बिकॉज इट कुड स्वेलो इवन द लिविल मंकी, जीवित बंदर को भी निकल सकता था, इतना बड़ा था उसका मुंह. ठीक ना, सो ग्रैंड फादर सेटअप ए ट्रैप फॉर द पाइथन, इसलिए उन्होंने जो है एक ऐसे पिंजरे की व्यवस्था कराई जिसमें कि ट्रैप डोर खिसकाने वाला दरवाजा लगा हुआ था. ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 सीनियर बुक. व्हाट डिड ग्रैंड फादर एंड गार्डनर डू विद द पाइथन एंड इट हैड बीन आफ्टर इट हैड बीन ट्रैप्ड इन द केज. फिर से देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या पूछ रहा है. व्हाट डिड ग्रैंडफादर एंड द गार्डनर डू विद द पाइथन आफ्टर इट हैड बीन ट्रैप्ड इन द केज, यानी जब अजगर को उन्होंने जो है ट्रैप्ड कर दिया उसमें बंद कर लिया पिंजरे में तो दादाजी ने और माली ने क्या किया था. तो चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर. ग्रैंडफादर एंड द गार्डनर पुट द केज इन ए टोंगा एंड टुक इट अक्रॉस द रिवर बेड. ठीक ना, वो नदी की तरफ जो है जंगल के लिए लेके चले तांगे में रख करके. दे ओपन द ट्रैप डोर, भाई ट्रैप डोर खोलेंगे तभी नहीं निकल पाएगा वो, तो उन्होंने क्या किया पिंजरे का. दे ओपन द ट्रैप डोर, उन्होंने उसका दरवाजा खोल दिया पिंजरे का एंड लेफ्ट द केज, और पिंजरे को वहीं पर छोड़ दिया इन द जंगल. जंगल में पिंजरे को छोड़ करके चले आए, यानी वो अभी निकला नहीं था और छोड़ दिए, वो निकले या जो कुछ करे या उसमें रहना चाहे जो भी कुछ भी करे वो छोड़ के चले जाए. ठीक है, चलिए द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 सीनियर बुक. ग्रैंडफादर डिड नॉट हैव द हार्ट टू टेक द मिरर अवे
फ्रॉम द पाइथन। वाई? यानी दादाजी की हिम्मत नहीं पड़ी, साहस नहीं हुआ कि वो वहाँ से मिरर को हटा सकें। क्या वो डर गए थे या क्या बात थी? वाई ऐसा उन्होंने क्यों किया? मतलब वो शीशा हटाने का साहस नहीं कर पाए, ऐसा क्या था? वो डर गए थे या कोई और बात थी? तो चले बेटा, इसका आंसर क्या है? लेट अस सी। ग्रैंडफादर डिड नॉट हैव द हार्ट टू टेक द मिरर अवे फ्रॉम द पाइथन। उन्होंने उस मिरर को वहां से हटाने की हिम्मत नहीं की। क्यों? क्या वो डरे थे? नहीं, बिकॉज इट वॉज द फर्स्ट टाइम, पहली बार ऐसा उन्हें लगा दादाजी को, इट वॉज द फर्स्ट टाइम दैट ही हैड सीन ए स्नेक फॉल इन लव। पहली बार उन्होंने देखा कि उस अजगर सांप के मन में प्रेम उमड़ आया है। ये पहली बार उनको एहसास हुआ कि इनके मन में भी जो है कुछ न कुछ सोचने की शक्ति होती है, हैं? और जब उन्होंने देखा क्या दैट ही वॉज फॉल इन लव, कि वो मतलब उसके अंदर अफेक्शन आ गया, लव आ गया है, तो उन्होंने जो छोड़ दिया, छोड़ो शीशे को रहने दो, बिकॉज द पाइथन लाइक टू सी हिज ओन रिफ्लेक्शन इन दैट मिरर एंड ही बिकेम सो प्लीज्ड सीइंग हिज ओन रिफ्लेक्शन, क्योंकि वह उस शीशे में अपनी परछाई को देखता था, अपने प्रतिबिंब को देखता था और बहुत खुश हुआ करता था। दैट इज वाई ही डिसाइडेड नॉट टू टेक अवे द मिरर फ्रॉम दैट केज। इसलिए उन्होंने तय कर लिया कि वो पिंजरे में से उस मिरर को नहीं उठाएंगे, ठीक है ना? दिस वॉज द रीजन, दैट्स ऑल। और बेटा इसे लिख लीजिएगा अपनी कॉपी में, क्वेश्चन आप किताब से लिखेंगे, आंसर ये मैंने सेंड कर दिया, ठीक। दैट्स ऑल, थैंक यू।